गुरमीत राम रहीम के गुफा प्रेम को आप सभी जानते ही हैं। हाल ही में वे जेल में भी गुफा खोदते पकड़े गए हैं और उनकी सजा 20 वर्ष और बढ़ा दी गई है। जी हाँ, यह सनसनी वारदात हाल ही में सामने आई है। पिछली रात राम रहीम को सुरंग बनाते समय जेल प्रशासन ने पकड़ लिया। वे उस समय तक जेल से अपने डेरे की दिशा में 50 मीटर सुरंग खुद भी चुका था। पाखंडी बाबा के भारी शरीर को उठाकर सुरंग से बाहर दोबारा जेल में लाने के लिए सिपाहियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस बारे में जयला ने बताया कि जेल में बाबा राम रहीम ने उस दिन से ही सुरंग बनाने का कार्य शुरू कर दिया था, जब कोर्ट ने हनीप्रीत को जेल में रखने के लिए ना बोल दिया था। कोर्ट के इस नकारात्मक आदेश के बाद पहली रात को ही बाबा ने जेल में सुरंग बनाने का काम शुरू कर दिया था। आगे जेल साहब ने बताया कि राम रहीम की इस हरकत का जेल प्रशासन को उस समय पता लगा जब रात को बाबा के चीखने चिल्लाने की आवाज एक सिपाही को सुनाई पड़ी। बाबा की आवाज को सुनकर सिपाही जैसे ही जेल की कोठरी में पहुंचा, तब उसने देखा कि बाबा एक सुरंग नुमा गड्ढे में फंसे हैं और हनी हनी चिल्ला रहे हैं। असल में बाबा हनीप्रीत से मिलने के लिए ही इस सुरंग का निर्माण कर रहे थे, क्योंकि उनको पता नहीं था कि हनीप्रीत फरार हो चुकी है। लेकिन जब राम रहीम को हनीप्रीत के बारे में बताया गया कि तब वे जोरों से रोने लगे। इस घटना के बाद में बाबा को जज के पास पेश किया गया, जिसके बाद जज ने उनकी सजा 20 वर्ष और बढ़ा दी है।